म्याना के पास हुआ एक्सीडेंट, एक युवक सहित एक बच्चा घायल। म्याना के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक व उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें वहां से आ रहे कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह के द्वारा अपनी गाड़ी में जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लोकेंद्र सिंह ने बताया कि वह शिवपुरी से म्याना होते हुए चंदेरी सभा में जा रहे थे, जहां उन्हें रास्ते में एक्सीडेंट में लोग दिखाई दिए, जिन्हें अपनी गाड़ी में बैठा कर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं उनके द्वारा म्याना पुलिस चौकी में भी इसकी सूचना दे दी गई है। एक्चुअली मैं शिवपुरी से गुना होते हुए चंदेरी जा रहा था महाराज साहब के कार्यक्रम के लिए, और उसी बीच में देखा कोई ट्रक हाईवे पर एक्सीडेंट करके इनको चला गया, बच्चे को, इसके पिताजी या कोई रिश्तेदार हैं। तो मेरी गाड़ी और मेरे गार्ड ने देखा कि नीचे एक्सीडेंट करा हुआ पड़ा है, तो हम लोगों ने उसको उठाया और सीधे जिला अस्पताल लेकर के आए हैं अभी जस्ट अभी उनको, और डॉक्टर साहब यहाँ देख रहे हैं उसको आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में। गाड़ी पे ये दोनों थे सर? हाँ, गाड़ी पे बाइक थी, बाइक में दो लोग थे। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? ये बरखेड़ा है आसपास, म्याना के पास है बरखेड़ा, और TI साहब को मैंने सूचित कर दिया है वहाँ पे, उनको व्हाट्सएप भी कर दिया फोटो वगैरह ट्रक का, और इसी रूप में बेचारे वो पड़े हुए थे गंभीर हालत में, तो वहाँ से उठा करके जिला अस्पताल अभी भर्ती कराया उनको सर। आप कहाँ जा रहे थे? मैं धाकड़ लोकेंद्र सिंह राजपूत हूँ, गुना संसदीय क्षेत्र से BSP का प्रत्याशी हूँ, और मैंने अभी समर्थन दिया है महाराज साहब को, ज्योतिराज सिंधिया जी को, कांग्रेस पार्टी को। तो उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चे को पहले जल्दी से हॉस्पिटल भेजें और उसके पश्चात आप लोग मेरी सभा में आए, तो उनके निर्देशानुसार हम लोग उसको अस्पताल भर्ती करके निकल रहे हैं। मतलब आपने अपनी सभा छोड़ के पहले इसको प्राथमिकता दी? हाँ बिल्कुल निश्चित, क्योंकि वो घायल था और उसको घायल को बचाना, जिंदगी बचाना हमारा कर्तव्य है हर एक का।